राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे यार, बढ़िया होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छाते होंगे। और अभी हम फिलहाल है ना, मैं जा रहा हूँ भाई खाना वाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मेरी मम्मी और वाइफ वेट कर रही है कि मैं कब खाना खाने के लिए आऊँगा, पर मैं थोड़ा सा बैठा हुआ था यहाँ पे, पूजा वगैरह कर रहा था, जो डेली रूटीन है वो फॉलो कर रहा था। और फिलहाल यहाँ पे हमारे घर का काम फिर से शुरू हो चुका है, आज ये ड्रॉवर वगैरह सब बन जाएगा। आज दो ही लोग हैं, प्रदीप भैया नहीं आए हैं। आज ये टॉयलेट का कमोड वगैरह सब बैठ जाएगा, तो प्लम्बिंग का भी काम आज एक्सपेक्टेड है कि आज फाइनल हो जाएगा। और मैं अभी नीचे जा रहा हूँ स्टेयर केस से, तो मुझे नीचे कॉन्सेंट्रेट करने दो, क्योंकि उस दिन मेरे पैर को लग गई थी, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से लगे। और आज धूप काफ़ी खिली है यार, सब स्प्रे फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, और ज़्यादा खिल के दिख रहा है इस कैमरे में। तो चलो जाते हैं। आज बनी है कढ़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो कढ़ी खाएंगे। फिलहाल आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो हमारे दादाजी गप्पे कर रहे हैं उनके दोस्त के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अभी खाना खाएंगे। मम्मी खाना खाना है तुम्हें? रो क्यों रही हो? पायल ने ना ठसका कर दिया। ठसका मराठी में मीनिंग होता है, जब आपको ऐसे खांसी आती है ना खाना बनाते टाइम, उसे ठसका लग गया। पायल को तो एलर्जी है चिंता, ठसका डाला, ठसका लग गया। चलो अभी आज तो दही नहीं है यार, मम्मी दही क्यों नहीं है आज? दही क्यों नहीं है? और भाई हम फर्नीचर में ना यहाँ पे एक है ना कंपार्टमेंट बनाने वाले हैं, यहाँ पे ये डब्बे रखने के लिए, इसलिए ये डब्बा निकला है बाहर नाप लेने के लिए कि भाई कितना कंपार्टमेंट बनाना है। और फिर यहाँ पे भी बनाना चाहते हैं हम लोग कंपार्टमेंट ऐसे, तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा सामान आ जाएगा हमारा। तो ऐसा हमारा चल रहा है ना मम्मी, तो छोटे मोटे हमारे है ना कुछ पिछला जो फर्नीचर बना है उसमें कुछ काम रह गए, उसमें से एक है ये जो दरवाजा है, इसमें गैप रह गई थी, मतलब ये टूट गया, इसमें लगाया था पट्टी लगाई थी पर वो निकल गया, तो इसको भी फिक्स करना है हमें। फिर उसके बाद हमारा ये जो इन्वर्टर है वो यहाँ पे, तो इन्वर्टर को हवा लगने के लिए ना ये दरवाज़ा हमें हमेशा के लिए खोलना पड़ता है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं इसको ऐसे बंद करेंगे और इसको काट लेंगे बीच में से, ये दरवाज़ा ऐसे बंद रहेगा और इसको बीच में काट के हवा जाने के लिए रखेंगे, मतलब ये लग जाएगा दरवाज़ा फिर। और फिर हमारे ऊपर की रूम है, उसके ऊपर फर्नीचर बनवाना है। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम है हमारे। और एक चीज़ के लिए मुझे सजेशन चाहिए दोस्तों, आप लोगों में से अगर किसी ने किया होगा तो। हमारा ये जो हॉल है ना, ये देखो ये हमारा सोफ़ा है, तो हमारी एक गलती क्या होगी, हमने ये सोफे का जो पिछला वाला ये जो है ना, इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं लिया, तो इसके वजह से क्या हो गया कि जब भी हम बैठते हैं यहाँ पे तो हमारा जो सर लग के नहीं सब खराब हो रहा है, कलर वगैरह सब खराब हो जाता है, क्योंकि इस हाइट पे ही आता है और इस साइड पे तो कुछ है भी नहीं। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको क्या करें, तो मेरा ऐसा कहना था कि इसके ऊपर हम फर्नीचर लगा देंगे फिर से, तो ये लंबा हो जाएगा, या फिर जो वॉलपेपर्स आते हैं उससे कुछ किया जाए, या फिर कलरिंग में कुछ हो सकता है। अगर किसको पता है, अगर किसी को कुछ इसके बारे में आइडिया है तो ज़रा कमेंट करके बताना, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो अभी फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं। नहीं नहीं यार, बाहर नहीं चलता नहीं इन्वर्टर, मम्मा खराब हो जाएगा, इधर ही ठीक रहेगा। चलो लगाओ खाना, बहुत भूख लगी आज, ठीक है, लेट्स गो गाइस। अन्न ब्रह्मा रजम विष्णु भोक्ता देयो जनानाम एवं ज्ञात्वा तदा ज्ञात्वा अन्न दोषान् लिप्यते, ऐसा मैंने मंत्र पढ़ा था कहीं पे, बोलना चाहिए खाना खाने से पहले, आज मुझे याद आ गया, ठीक है। मैंगोस देखो कितने बड़े हो चुके हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे, ये तो सबसे बड़ा वाला मैंगो बन चुका है अभी हमारे घर पे। वाओ, मजा आएगा भाई इस मैंगो सीजन। और इसके तो बहुत ही ज्यादा खट्टे होते हैं भाई, इनको तो खा ही नहीं सकते हम लोग। इसका टेस्ट नहीं किया है, इसका खाएंगे टेस्ट करके, इसका देखेंगे टेस्ट करके, ठीक है। तो भाई अभी ना हमें एक और शीट फाइनल करना है, जो कि हमारे ऊपर के रूम का है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा फर्नीचर बनाना है ना ऊपर, तो उसके लिए एक शीट लगेगा। हाँ वही बताया था ना मैंने तुझे,
हाँ ये देखो मिल गया हमें ऊपर के रूम के लिए। तो जो पहले वाला है वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, एक व्हाइट कलर फाइनल करना बाकी है सिर्फ। वाओ सनसेट के टाइम पे तो घर और सुंदर लगता है यार हमारा, कैसा सीन आ रहा है देखो, सही लग रहा है ना। अब इधर है ना कलर आएगा तो और अच्छा लगेगा, मतलब बॉर्डर जब आएगा ना डिस्टिंग्विश हो जाएगा सब कुछ तो और सही रहेगा। तो स्लाइडिंग वाला आ रहा था ना, स्लाइडिंग वाला ना बता दे यार, दरवाजे ये बाबा खाली स्टोर रूम था, बाथरूम था दरवाजे भी बनवा, हां का बनवा लगे ना, ये ज्यादा ज्यादा हाइट ज्यादा है ना। हाँ। पायल क्या कर रहे हो, तुम्हारा ब्लॉग कब आने वाला है? लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे पायल ब्लॉग कब डालने वाली मराठी। हाँ इतना भी तो बीमार नहीं हो, एक घंटे में एडिट कर दो, नहीं तो मैं कर देता एडिट। टैबलेट्स की वजह से ना मुझे नींद ज्यादा आ रही है। हाँ ऐसी गूंगी सी आ रही, इसलिए नहीं शायद शायद ना मुझे पता नहीं मुझे किस चीज से हो रही। क्या बन रहा है आज खाने में जरा बताओगी? आज बन रहा है मसाला राइस और रोटी सब्जी पराठा। नहीं फिर क्या मराठी में बोल सकती तू? फटाफट बोलना है तो तेरा साबुन स्लो है क्या पायल? खाना कुकर की सीटी। हाँ गुड़ाचा शिरा लापसी। आज बनने वाला है गुड़ का हलवा जिसे हम मराठी में बोलते हैं लापसी। लापसी बनाओ लापसी, ठीक है। इस साइड से तो मैंने घर दिखाया नहीं आपको, ऐसा दिखने लगा है अभी हमारा घर। यार हमारा घर अभी काफी बड़ा लगने लगा है, पहले बहुत छोटा लगता था, बड़ा बड़ा लगने लगा है हमें। और भाई मुझे ना आज एक इंस्टाग्राम पे ना एक हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप लोग गांव में क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इससे अच्छा आप सिटी में कोई फ्लैट ले लो, बड़े वाले सिटी में जहाँ पे आप ज़्यादा दिनों के लिए रह सकते हो। जैसे हमारा जॉब अगर मान लो कि पुणे में जाना पड़ा तो वहीं पे रहना पड़ेगा ना, हम घर तो नहीं आ सकते वापस से। तो ऐसा उनका कहना था कि यहाँ पे गांव में इतना पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है उतने पैसे जमा करके एक प्रॉपर्टी बुक कर लो, मतलब फ्लैट वगैरह पुणे में, और फिर वापस शिफ्ट हो जाओ जब आप जॉब के लिए जाओगे। तो मुझे वो पॉइंट वैलिड लगा क्योंकि क्योंकि पता नहीं हमें हमारा आईटी जॉब का ऐसा रहता है कि कभी भी जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं अगर पुणे गया तो वहाँ पे मेरा घर होना अच्छा रहेगा, पर मुझे लगता है जो पुणे के घर वगैरह लेना है या फिर किसी भी सिटी में घर लेना है वो तो ऐसा है नहीं भाई लो 100 रुपये लो घर दो, वैसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके लिए। मतलब पुणे में अगर आप डिसेंट सा घर अगर खरीदना चाहो ना, डिसेंट सी लोकेलिटी में आपके ऑफिस के पास, तो आपको आराम से 50 तो बहुत कम कर दिया बोल दिया मैंने, पर आराम से 70 to 1 crore लग सकता है, मतलब 70 lakh to 1 crore तक आपका घर जा सकता है पुणे में, 2 BHK 750-800 कारपेट एरिया। तो भाई इतना ओवर प्राइज्ड चीज़ है, और ऊपर से मैंने तो अब तक घर ले लेना चाहिए था टेक्निकली स्पीकिंग, पर मैंने अब तक घर क्यों नहीं लिया इसका एक रीज़न है क्योंकि वन सेकेंड मुझे ऑडियो चेक करने दो। चलो भाई खाना वाना खा लेते पहले, बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल रात के 10:30 बज गए और मैं अभी ऊपर आया था सोने के लिए, पायल भी सो गई है जल्दी और सारे घर वाले सो गए, मैं और सुनील रास्ते पे घूम रहे थे गप्पे वगैरह कर रहे थे। तो जश्न हमारी सारी बातें वातें ख़त्म हुई है और मैं अभी सोने के लिए आ गया था। और सुबह मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा प्लम्बिंग का काम तो आज हो जाना चाहिए, पर हमारे अमोल भाई आए नहीं। अमोल भाई हमारे वीडियोज़ डेली देखते हैं ऐसा बोला है उन्होंने, अमोल भाई आके उतना काम कर दो भाई, बहुत टाइम हो गया अभी उस टॉयलेट को देखते ऐसे, इसका इस्तेमाल करने का मन कर रहा है अभी, जल्दी से कर दो भाई। तो चलो भाई फ़िलहाल मैं ना सोने के लिए आ गया था और भाई कुछ हमें डिस्कस करना था घर के बारे में, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं सोने के लिए आ गया था तो मेरा अभी मूड भी नहीं है और इतनी एनर्जी भी नहीं बॉडी में, तो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है। क्या हो गया चिंकू पिंकू को, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों।
bye bye. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the